गिरगिट की तरह रंग बदलना एक ऐसा मुहावरा जो लगभग सभी देशों और संस्कृतियों का हिस्सा है। वैसे गिरगिट अकेला ऐसा जंतु नहीं है जो सिर्फ वही रंग बदल सकता हो, बल्कि कई दूसरे जीव जंतु भी ऐसा कर सकते हैं, या फिर यूं कहें जो रंग बदलने में गिरगिट के भी उस्ताद हैं। रंग बदलने वाली ये सारी प्रजातियां इस बात में समान हैं कि वे शिकार से खुद को बचाने या फिर शिकार करने के लिए रंग बदलती हैं। तो इसी वजह से बहुत बार ये मुहावरा आप लोग या फिर मैं भी हम अपने दोस्त पर अक्सर इस्तेमाल किया करते हैं। तो आइए आज के इस एपिसोड में हम जानते हैं कुछ और ऐसे जानवरों के बारे में जो रंग बदलने में माहिर हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम तो गिरगिट का ही आता है, जैसे आप सभी जानते हो, लेकिन वो मोस्ट कॉमन नेम है जो आए दिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं पर इस्तेमाल होता रहता है। तो इस लिस्ट में जो दूसरा नाम आता है वो है सी हॉर्स। इन्हें रंग बदलने में मास्टरी है। ये न केवल डरने पर बल्कि अपनी भावनाओं के इजहार के दौरान भी रंग बदल पाते हैं। इनमें क्रोमेटोफोर्स नामक एक तत्व होता है जो इन्हें तेजी से और कई तरह का रंग बदलने में मदद करता है। शिकारी सामने हो तो सी हॉर्स कुछ ही सेकंडों में अपना रंग बदल लेते हैं। वहीं साथी के साथ गुटरगू करने के दौरान भी इनका रंग धीरे धीरे बदलता है, क्योंकि भावनाएं भी तो व्यक्त करनी होती है प्यार में। इस लिस्ट में अगला नंबर है हमारा गोल्डन टॉर्टोइज बीटल। ये एक छोटा सा कीड़ा है। ये तभी रंग बदलता है जब कोई इंसान इसे छूने की कोशिश करे, या फिर यूं कहें जब भी इसे खतरे का आभास होता है तो ये अपना रंग तुरंत बदल लेता है। इन हालातों में ये डर कर अपना रंग बदल लेता है और आसपास की किसी चीज में घुल मिल जाता है, जैसे कोई फूल, पत्ती या फिर मिट्टी हो। वहीं गोल्डन टॉर्टोइज बीटल को इश्क फरमाने के दौरान भी रंग बदलते हुए पाया गया है। वैसे ये सुनहरे रंग के होते हैं, लेकिन खास हालातों में लाल चमकीले रंग के हो जाते हैं। लिस्ट में अगला नंबर है एक ऐसे जीव का जिसकी बॉडी ग्लास से बनी है। ग्लास मतलब एग्जैक्ट ग्लास नहीं, ग्लास जैसा, मतलब बोले तो ट्रांसपेरेंट। तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा है ग्लास स्क्विड। इसके शरीर की बनावट ऐसी होती है कि शरीर के आर पार भी रोशनी गुजर जाती है, यानी इसका जो शरीर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। इसलिए ये रोशनी के प्रभाव में आकर अलग अलग रंगों में दिखाई देते हैं। खासकर ये रंग शिकारियों को धोखा देने के दौरान बदलते हैं। अब चलिए जनाब एक ऐसी मछली के बारे में भी जान लेते हैं जो रंग बदलने में माहिर है। इसका नाम है फ्लाउंडर। ये अपने आप में काफी अनोखी है, क्योंकि इसका रंग बदलना किसी अंदरूनी अंग नहीं बल्कि आंखों के जरिए होता है। वैसे तो ये मछली भूरे रंग की होती है, लेकिन जब ये किसी दूसरे वातावरण में जाती है जहां भूरे की बजाय किसी दूसरे रंग की बहुतायत हो, तो फ्लाउंडर की आंखें उस रंग को कैप्चर कर लेती हैं। आंखों से रंग कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है और फिर कोशिकाएं बाहरी त्वचा को उसी रंग में ढाल लेती हैं। अगर इस मछली की आंखों को नुकसान हो जाए तो ये रंग नहीं बदल पाती। तो इस मछली के बारे में कहा जाए कि यह एक ऐसी मछली है जो आसपास के रंगों को खाकर वैसी ही ये बन जाती है।